हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंज ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये जो ब्लॉग है वो है छठ का। जी हाँ, दूसरा ब्लॉग है। जी हाँ, ये फोर्थ डे का ब्लॉग है। और यहाँ पे देख सकते हो मम्मी जो है वो सूप बदल रही हैं। जी हाँ, हम लोग घाट पे से आ गए हैं तो उसके बाद सूप चेंज किया जाता है। सूप में सिर्फ ठिकुआ हटाया जाता है और बद्दी डाला जाता है। तो ये रस्म जो है वो मम्मी कर रही हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे, जी हाँ, हम लोग जाएँगे घाट पर, तो घाट का आप लोगों को दिखाएँगे। तो इस दिन जो होता है अर्ली मॉर्निंग जाया जाता है गंगा किनारे। तो यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं गंगा किनारे। और रोड का भी आप लोग देख सकते हो, ये सुबह के 4 या 5 बज रहे होंगे। बहुत अंधेरा भी था लेकिन लाइट की व्यवस्था बहुत ही अच्छा रहता है। और यहाँ पे सूर्य भगवान की मूर्ति है, आप लोग प्रणाम कर लीजिए। और रास्ते में देखिए कैसे अंधेरे में सब जा रहे हैं दौरा लेके, कोई कंधे पे, कोई ठेला पे, जिसको जैसे होता है वो जाते हैं। यहाँ पर देखिए पूजा करने वाली जो परवैतिन होती हैं, जी हाँ जो व्रत करती है उसको परवैतिन बोलते हैं, वो लोग भी जा रही हैं। और इस दिन पूरब दिशा से उगते हैं सूर्य भगवान, तो पूरब दिशा में करके अर्घ दिया जाएगा। और सुबह पहला दिन जो होता है वो पश्चिम दिशा में सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। ये तो डॉट ये मैं आप लोगों को बता दी अपने ब्लॉग में। और यहाँ पे देख सकते हो अभी हम लोग जा ही रहे हैं। और ये हमारा आर्मी कैंप है और यहीं पे हम लोग अक्सर आते हैं। तो यहाँ लाइट गेट बहुत खूबसूरत लग रहा है, देख सकते हो। और सारे लोग जा रहे हैं और अब हम लोग भी आ गए हैं, देख सकते हो ब्लॉग में मुझे भी। और ये आंटी हैं बगल की, मम्मी पीछे हैं, मौसी भी सबसे पीछे हैं। और सारे लोग हम लोग साथ में जा रहे हैं। और अब मैं दिखाऊँगी कि सुबह 4 बजे जो है वो कैसा व्यू रहते हैं। और यहाँ पे खिलौना बेचने वाले भी आ गए थे। जी हाँ, अच्छा हो खासा बिक्री भी हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, देख सकते हो दौरा सर पे लेके लोग कैसे जा रहे हैं। और ये यहाँ पे देख सकते हो लोक आस्था का पर्व छठ का सुबह का अर्घ है। और यहाँ पे सारे लोग आ गए हैं, क्राउड कितना भीड़ है। और यहाँ पे जो व्यवस्था थी बहुत ही अच्छा व्यवस्था थी, कहीं भी कुछ भी नहीं, बहुत शांति से हम लोगों ने पूजा किया। और अर्ली मॉर्निंग गंगा मैया को आप लोग प्रणाम कर लीजिए। जी हाँ, छठ महारानी को प्रणाम कर लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो आप लोग देख रहे होंगे खड़े खड़े इख रखा जाता है। और तो क्यों रखा जाता है, क्योंकि बहुत जगह मन्नत होता है, जी हाँ कोसी भरा जाता है, तो इसी के लिए ऊख लगाया जाता है। और ये मन्नत जब पूरा हो जाता है तभी लोग करते हैं, बहुत घर में हर साल होता है, लोग हर साल मानते हैं। और यहाँ पे जो हमारे यहाँ के IPS थे वो पूरा देख रहे थे, मुआयना कर रहे थे, तो वो भी मैं आप लोगों को व्यू दिखा। और यहाँ पर देख सकते हो हम लोग बैठे हुए हैं। और ये जो है वो दूध हो गया, अगरबत्ती हो गया, नारियल हो गया, ये सब हम लोगों को रास्ते में लोग बांटते हैं और देते भी अर्घ देने के लिए। और यहाँ पे फ्लैग कैंडल जलाया जा रहा है, देख सकते हो। और बहुत ही खूबसूरत लगता है जब ये उड़ता है आकाश में, तो वो व्यू भी मैं कैप्चर की हूँ आप लोगों के लिए। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, देख सकते हो फाइनली ये उड़ा रहे हैं कैसे। और यहाँ पे पहली बार में फेल हो गया था, फिर दूसरी बार में सक्सेस हो गया। और जब सक्सेस हुआ तो वो व्यू मैं भी रिकॉर्ड की हूँ, देख सकते हो। फिर ये ले आए अपने हाथ में और अब वो फाइनली उड़ा देंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था रात में, बहुत सारे लोग बहुत सारा फ्लैग कैंडल जलाए थे और सब आकाश में जब गया था तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पे सारे लोग वेट कर रहे हैं कि अब। और यहाँ पे देख सकते हो बहुत लोग अपने कैमरे से रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर आप लोगों को कभी चांस मिले, कभी मौका मिले, तो आप लोग ज़रूर आए हमारे बिहार में, जी हाँ, राजधानी का छठ देखने के लिए। और यहाँ देख सकते हो फ्लैग कैंडल ऊपर कैसे उड़ रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। और ये सुबह का व्यू भी बहुत ही ज़्यादा ही पावन लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे सारे लोग अब आ गए हम लोग
जी हाँ, गंगा मैया में प्रवेश कर गए हैं और सारे पर्वतीन को आप लोग देख सकते हो, कितनी भीड़ है। हम लोग बहुत देर तक इंतज़ार किए थे क्योंकि 6:03 पे टाइम था सूर्यदेव को निकलने का, और सूर्यदेव बहुत ही सुबह के टाइम में जो है वो विनती करवाते हैं जी, करवाना भी चाहिए। साल में एक बार ही तो लोग इतना करते हैं, साल भर तो करते ही। और एक ये जो है छठ पर्व जो है उसमें साक्षात भगवान दिखते हैं, दिनकर दीनानाथ दिखते हैं, जिनका पूजा सारे लोग करते हैं। बाकी में हम लोग तो महसूस करते हैं, लेकिन इसमें आप साक्षात देख सकते हो दिनकर दीनानाथ को। और यहाँ पे टाइम हो गया, सूर्यदेव निकल गए हैं, तो सारे लोग जो हैं वो अर्घ देने के लिए यहाँ पे देख सकते हो। हमारे जो हस्बैंड हैं, हमारे हबी जो कुंज के पापा हैं, वो हमारी मदर इन लोग को अर्घ दिला रहे हैं। मैं भी दी हूँ, लेकिन वो कैप्चर नहीं हुआ था तो मेरी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। मौसी जी और मम्मी का रिकॉर्डिंग मॉर्निंग का है, तो आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग, टाइम हो गया था, भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि क्या मैं बोलूँ। इसी में अर्घ भी देना था, फाइनली मैं निकल गई। और ये जो आप देख रहे हो वो सुबह में सारे अपने से जो छोटे होते हैं, जैसे मेरे दो देवर हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरी दो ननद हैं, तो सबको हम लोगों ने अपने चुनरी से, अपने साड़ी के पल्लू से वो लगाते हैं सारे लोगों को। और यहाँ पे गंगा मैया हम लोग पूज रहे हैं जी हाँ। और यहाँ गंगा जी में दीपदान मैं कर रही हूँ, देख सकते हो आप लोग, दीपदान करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बार मम्मी मुझी से ही करवाई कि जाओ तुम कर दो दीपदान। और गंगा जी में छठ जब करने के बाद होता है कि 5 सुहागन को जोड़ा मांग टीका जाता है, तो यहाँ पे मैं फिलहाल रिकॉर्ड 2 ही हुआ है, 3 नहीं हो पाया। तो यहाँ पे देख सकती हूँ मैं जोड़ा मांग कैसे टीक रही हूँ। और अब सारे लोग अपने घर के तरफ निकल रहे हैं, यहाँ पे देख सकती हूँ। ये दूसरा रिकॉर्डिंग मेरा है जो मैं कर रही हूँ जी हाँ। जोड़ा मांग टीकना बहुत ज़रूरी होता है, कम से कम आप जितना हो सके उतना कर लें, लेकिन कम से कम 5 करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद सारे घर में जितने थे सबको टीका मैं की। और ये लास्ट का है, जब हम लोग निकल रहे हैं सारे लोग, तो एक बार सोची क्यों ना पूरी कैमरा घुमा के और यहाँ हाँ दिखाओ कि इस घाट पे कितना भीड़ है। और ये एरिया जो है वो आर्मी का एरिया है, व्यवस्था भी बहुत ही अच्छा है। और गंगा मैया पट्टा का गंगा मैया है, नामी है, आप लोग प्रणाम कर लीजिए, फिर से मैं कह रही हूँ। और ये कहीं नहीं, सिर्फ मेरे ब्लॉग में मिलेगा। और यहाँ देख सकते हो कितनी भीड़ है, लोक आस्था का पर्व है बिहार का, ये सबसे बड़ा पर्व है। और ये राजधानी का छठ पर्व है जी हाँ, पटना का राजधानी का है, तो भीड़ तो लाजमी है कि सारे लोग उमड़ के आते हैं करने के लिए पटना में। आप लोग अक्सर गाना भी सुनते हैं, और आज हमारे ब्लॉग में आप लोग पटना का छठ पूजा भी देखें, तो आप लोगों को कैसा लगा ये भी कमेंट्स करके बताइएगा। फिलहाल हम लोग अब निकलेंगे घर के लिए, तो रास्ते का व्यू भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। फिलहाल तो मैं अभी आप लोगों से शेयर कर रही हूँ जी हाँ घाट का ही व्यू, क्योंकि लास्ट हो गया, सारे लोग निकल गए हैं, कपड़ा चेंज करेंगे, यहीं पे लोग पारण करते हैं। तो पारण में सबसे पहले गंगा जल लेते हैं, उसके बाद ठेकुआ जो होता है, जो सूर्य भगवान को चढ़ता है वो ठेकुआ, हम लोग भी वही किए थे। और यहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं क्योंकि ऐसे ही हम लोग पारण कर लेते, तो उसके बाद फिर थोड़ा सा राहत मिला, तो हम लोग फिर कपड़ा चेंज किए, उसके बाद फिर हम लोग आ गए। ये मेरी ननद है, यहीं पे सारे लोग प्रणाम करते हैं। और अब हम लोग जाएंगे कपड़ा चेंज करने के लिए जी हाँ। वहाँ पे चेंजिंग रूम भी बनाया गया था, बहुत अच्छा। और यहाँ मेरी ननद मुझे प्रणाम कर रही है, तो यहाँ देख सकते हो भीड़। और यहाँ पे दौरा निकल गया है घर के लिए, सारे लोग लेकर घर जा रहे हैं, सारे लोग अपने घर के तरफ निकल गए हैं, मैं भी आ गई हूँ। और ये रास्ते का व्यू है, और ये जो ब्लॉग है वो मेरी ननद बना रही हैं जी हाँ, पिछले साल भी वही बनाई थी। और यहाँ पे देख सकते हो व्यवस्था, और जब पूजा हो जाता है तो सारे लोग जो वहाँ के व्यवस्था करते हैं जी हाँ छठ घाट का, तो वो लोग प्रसाद में ठेकुआ और केला मांगते, इतने अच्छे तरह से मांगते हैं, कहते हैं ए माई 2 ठकुआ 1 केला दे, तो बहुत खूबसूरत लगता है। और फाइनली यहाँ पे मैं घर आ गई हूँ, तो सबसे पहले द्वार पूजा जाता है, तो यहाँ पे देख सकते हो मैं द्वार को पूज रही हूँ, मैं और मौसी जी
और उसके बाद जो हमारे बड़े हैं, जी हाँ, मम्मी, मैं और मौसी जी तीनों लोग बैठते हैं, तो सारे लोगों को पैर धोया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो पैर धो रही हैं मेरी ननद निशा जी और सहनवी जी, तो वो भी क्लिप यहाँ पे देख सकते हो। हम लोग गेट पे बैठ गए तो निशा जी आई हैं पैर धोने, तो मैं भी मम्मी का पैर धो दी हूँ, बाबू भी धोया है, तो सारे लोग मम्मी का भी धो दी, मौसी का भी। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो मैं उतर गई हूँ, मम्मी का पैर धो रही हूँ, फिर मौसी जी का भी पैर धोती हूँ, क्योंकि धोना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सब जो होता है सुकून मिलता है ये सब चीज़ में, और ये सब रीति रिवाज अच्छा भी लगता है करने में। देख सकते हो यहाँ पे मैं निशा जी अभी पैर धो रही हैं, अब मैं भी देख सकते हो मौसी जी का पैर धो रही हूँ, और यहाँ पे मेरी ननद मेरा धो रही हैं। देख सकते हो आप लोग पिछले साल का ब्लॉग देखे होंगे तो उसमें, और यहाँ पे मौसी जी और मैं, और यहाँ देख सकते हो और फाइनली यहाँ देख सकते हो मैं आ गई हूँ मायके, यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं, मम्मी है, और यहाँ मेरा भतीजा मेरे गोदी में आ गया है देख सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो कुंज क्या कर रहा है, प्रसाद कैसे खा रहा है कुंज, और कैसे बदमाशी कर रहा है। और यहाँ पे कुंज के पापा बैठे हुए, तो फिलहाल मैं आ गई हूँ किचन में, तो किचन में जो है मेरी छोटी वाली भाभी खाना बना रही है, और ये बजका का आइटम है, और यहाँ पे दीदी, मैं और मेरी छोटी वाली भाभी, तीनों लोग हैं हम लोग। और यहाँ पे मम्मी मुझे जोड़ा मांग टीक रही है, खोइछा भी दी थी, जी हाँ, तो खोइछा जो मैं ठेकुआ और केला मिलता है वो मैं मायके में ही मेरा भूल से छूट गया था। और यहाँ पे मैं और मम्मी पारण कर रही हूँ, ऐसा क्या हो गया कि मैं वहाँ अपने ससुराल में नहीं मायके में आ गई। एक्चुअली हुआ ये था कि ये बोले थे कि चलो एक घंटे में आ जाएंगे, नज़दीक है, तो मैं गई, तो फिर मम्मी मुझे पारण करके ही आने दी। तो यहाँ पे मेरी भतीजी है अनुष्का और मैं, क्योंकि बहुत जल्दी आना भी था, तो यहाँ पे अब हम लोग आ गए, जाने के लिए बाहर निकल गए हैं। तो मेरी बड़ी वाली भाभी है, भैया है, और मेरा भतीजा ओम है, ये लड्डू है जी। और इसके बाद अब हम लोग विदा ले लिए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं घर, तो आप लोगों से मिलते हैं, अपने ससुराल आ गए मायके से। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को मिलती हूँ अपने किचन में। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं किचन में हूँ, मेरी ननद सारा खाना बना ली थी, सिर्फ मुझे बजका बनाना था, तो वही मैं बजका बना रही हूँ। सोची थी इस बार कि फुल आप लोगों को पारण का, छठ का पारण का ब्लॉग दिखाऊंगी, तो वो भी मैं थोड़ा बहुत कोशिश की आप लोगों के लिए। थोड़ा सा काम करूँ, सारा काम मेरी ननद जी कर चुकी है। और यहाँ देख सकते हो ये है चावल, जी हाँ, पारण में चावल बना है, ये आलू गोभी की सब्जी, दही बड़ा, हमारे यहाँ कोई भी पर्व हो तो दही बड़ा बनेगा ही, कढ़ी बनेगा। और उसके बाद ये दोबारा मैं दिखा रही हूँ, और ये है प्याजू, इसमें चना बॉईल करके डाला जाता है, ये कद्दू का बजका है। और उसके बाद यहाँ फाइनली चना आ गया है देख सकते हो, और यहाँ पे गौ और ग्रास, जी हाँ, गौ ग्रास के लिए खाना निकाला जाता है गाय के लिए सबसे पहले सनातन धर्म में, तो वो मैं कर ली हूँ। और यहाँ पे फाइनली मम्मी जी और मौसी जी का पारण हो रहा है, तो देख सकते हो मैं सोची क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को हमारा ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा, जी हाँ, छठ का लास्ट ब्लॉग था, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग कौन सा होगा वो भी मैं आप लोगों को हल्का सा हिंट्स दे देती हूँ। जी हाँ, ये जो नेक्स्ट ब्लॉग है वो आर्यभट्ट की धरती से शुरू होगी। जी हाँ, आर्यभट्ट को आप लोग जानते ही होंगे, सुनने का जो परिभाषा दिए थे आर्यभट्ट, उनकी धरती से शुरू होके, जी हाँ, बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती तक चलेगी। तो प्लीज़ वेट ज़रूर कीजिएगा हमारा उस ब्लॉग का।